एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आया हमारे पास, तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें तीन और चार के बीच में छह परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तीन और चार भी वैसे तो परिमेय संख्या है क्योंकि इनके दोनों के बटे में हम एक लगा सकते हैं। तो तीन है हमारे पास, तो तीन को हम लिख सकते हैं तीन बटे में एक, और चार को हम लिख सकते हैं चार बटे में एक। तो हमें क्या करना है, तीन और चार के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, छह। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है, छह, उससे एक ज्यादा लेंगे। तो छह और एक सात, ये सात बनाना है आपको इनके बटे में। ये जो तीन और चार, जिन संख्याओं के बीच में ये परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इनके बटे में आपको सात बनाना है। तो जितनी परिमेय संख्या बनानी है उसे एक एक्स्ट्रा लेंगे। अब देखो यहां अगर मैं सात बनाना चाहूं तो सात से गुना करनी पड़ेगी मुझे, तो यहां अगर सात से गुना करूंगा तो यहां पर भी सात से गुना करनी पड़ेगी हमें। तो अब ये हमारे पास कितना हो गया, 21 बटे में सात। कैंसिल मत कर देना, वहीं पहुंच जाओगे वापस, ध्यान रखेंगे ये चाहिए हमें। अब यहां पे अगर मैं इसको सात से गुना करूं और इसको भी, क्योंकि अगर हर में सात से गुना किया है तो अंश में भी करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 बटे में सात। अब यानी कि तीन को हमने लिख लिया 21 बटे सात और चार को लिख लिया 28 बटे सात। अब देखो 21 बटे सात और यहां पे 28 बटे में सात, तो 21 के बाद कितना आ जाएगा, 22 बटे सात। उसके बाद कितना आ जाएगा, 23 बटे सात। उसके बाद 24 बटे सात, 25 बटे सात, 26 बटे सात, 27 बटे सात। अब देखो ये हमने किसको लिखा था, ये हमने लिखा है तीन को, तीन ही तो है, और ये हमने किसको लिखा है, चार। तो तीन और चार के बीच में ये परिमेय संख्याएं आ गई हमारे पास, तो हम लिख देंगे कि तीन और चार के बीच छह परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होगी, 22 बटे सात, 23 बटे सात, 24 बटे सात, 25 बटे सात, 26 बटे सात और 27 बटे में सात। तो ये इसका आंसर आ गया, एक दो तीन चार पांच छह। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बेसिक क्या है क्वेश्चन का, आपसे जितनी संख्याएं पूछी गई है उससे एक ज्यादा देख लेंगे पहले तो कितना होता है। अब वो जो जिनके बीच में निकालनी है उसके बटे में उतना बनाना है। अब तीन के बटे में सात हम वैसे तो लगा नहीं सकते, अगर हमने सात से नीचे लगाया सात, हर में सात लिखा तो अंश में भी सात लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। यानी कि हमने हर में सात से गुना कर दी, हर तो हमारा कितना था, एक था, तीन बटा एक में एक था, तो सात से गुना की तो अंश को भी सात से गुना कर दी, इसी तरह से इसमें गुना कर दी, और उसको हमने दोनों परिमेय संख्या मिल गई। अब इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में दूसरी परिमेय संख्या है, बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट काउंटिंग करनी है हमें, अंश के लिए सिर्फ काउंटिंग तो करनी है, अपने आप हमें इसके बीच की संख्याएं मिल गई। अब देखो एक बात हो रहा है, अगर वो आपसे पूछता है कि तीन और चार के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, अगर वो पूछता है एक परिमेय संख्या, तो उसके लिए तो आपको सिर्फ क्या करना है, तीन जमा चार बटे में दो, सात बटे दो, ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन ये तरीका आप कब अप्लाई करोगे, जब आपसे वो एक पूछ रहा है, जब आपसे वो पूछ रहा है एक संख्या, एक परिमेय संख्या, केवल दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या, तो ये अप्लाई कर दोगे, दोनों का जोड़ के बटे में दो कर दोगे। लेकिन अगर ज्यादा संख्याओं की बात कर रहा है तो ये वाला तरीका ज्यादा आसान रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
1.1 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स का है, हमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें पूछे गए हैं कि जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो दोबारा से लिख दिया मैंने, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होगी, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होगी, जीरो एक दो तीन चार पांच, पूर्णांक में माइनस वाले भी आ जाएंगे, प्लस वाले भी और जीरो भी, परिमेय संख्या भी बटे वाले, यानी कि ये ऊपर वाले भी सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके बटे में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहां से अब देखो प्रत्येक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या ये है, तो देखो ये पूर्ण संख्याओं में भी है, तो एक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या भी तो है, दो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या भी, तो ये सारी की सारी इसके अंदर पड़ी है, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या ही भी है, इसका मतलब सत्य है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य है। दूसरे में पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो उसने कहा कि जितने भी पूर्णांक है, ये वाले जितने भी पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या भी है। अब देखो मैंने माइनस दो लिया, ये एक पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या में तो नहीं है ये, तो गलत बात है। उसने कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक है सारे के सारे पूर्ण संख्याओं के अंदर भी है, पूर्ण संख्या भी है वो, नहीं देखो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ इसका उल्टा ठीक है, सारे के सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, क्योंकि देखो सारे के सारे यहां पड़े हैं, तो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक है लेकिन सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है, यानी कि क्या हो गया ये असत्य है। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्या है क्योंकि इनके बटे में एक लगा सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्या है क्योंकि इनके बटे में भी एक लगा सकते हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्या है क्योंकि इनके बटे में भी एक लगा सकते हैं, लेकिन उल्टी बात तो सही नहीं है। इसने तो कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या तो ये बटे वाली भी आ गई एक बटा दो, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है, नहीं पूर्ण में तो नहीं है ये, तो ये भी क्या हुआ असत्य है। अगर वो ये लिख दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है फिर सही हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या के बटे में तो हम एक लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। वन पॉइंट वन एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन हमारा ट्रू और फॉल्स का है, हमें सत्य और असत्य बताना है। तो इसमें पूछे गए हैं कि जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हमें ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो देखो दोबारा से लिख दिया मैंने, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होगी, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होगी, जीरो एक दो तीन चार पांच, पूर्णांक में माइनस वाले भी आ जाएंगे, प्लस वाले भी और जीरो भी, परिमेय संख्या में बटे वाले, यानी कि ये ऊपर वाले भी सारी परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके बटे में हम क्या लगा सकते हैं, एक लगा सकते हैं। अब देखते हैं, अब यहां से अब देखो प्रत्येक प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृतिक संख्या ये है, तो देखो ये पूर्ण संख्याओं में भी है, तो एक प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या भी तो है, दो प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या भी, तो ये सारी की सारी इसके अंदर पड़ी है, यानी कि ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्या ही भी है, इसका मतलब सत्य है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सत्य है। दूसरे में पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखो उसने कहा कि जितने भी पूर्णांक है, ये वाले जितने भी पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या भी है। अब देखो मैंने माइनस दो लिया, ये एक पूर्णांक है, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या में तो नहीं है ये,
तो गलत बात है। उसने कहा था कि प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक है सारे के सारे पूर्ण संख्याओं के अंदर भी है, पूर्ण संख्या भी है वो। नहीं देखो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ इसका उल्टा ठीक है, सारे के सारे पूर्ण संख्या है पूर्णांक है, क्योंकि देखो सारे के सारे यहां पड़े हैं तो सारे के सारे पूर्ण संख्याएं तो पूर्णांक है लेकिन सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। यानी कि क्या हो गया, ये असत्य है। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो ये प्राकृतिक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं क्योंकि इनके बटे में एक लगा सकते हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं क्योंकि इनके बटे में भी एक लगा सकते हैं, पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं क्योंकि इनके बटे में भी एक लगा सकते हैं। लेकिन उल्टी बात तो सही नहीं है, इसने तो कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या तो ये बटे वाली भी आ गई, एक बटा दो, ये एक परिमेय संख्या है लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं, पूर्ण में तो नहीं है ये, तो ये भी क्या हुआ, असत्य है। अगर वो ये लिख दे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है फिर सही हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या के बटे में तो हम एक लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 पूरी हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।